नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहा हूँ कैशियो एनालॉग टेबल क्लॉक का। ये मैंने अमेजन से मंगाया है 984 में टेबल क्लॉक। चलिए जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कैसे इसकी पैकेजिंग है, क्या क्या इसके अंदर आता है। ये देखिए, मैंने बॉक्स ओपन कर लिया है। ये मेन प्रोडक्ट का बॉक्स है। जल्दी से प्रोडक्ट को खोलते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। ये कुछ कैशियो के डिस्ट्रीब्यूटर वारंटी टर्म्स वगैरह, और इसके साथ 2 साल की वारंटी आती है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। कुछ पेपर्स और ये बैटरी है। और ये हमारी क्लॉक बिना बैटरी की, ये काफी हल्की सी लग रही है। तो देखते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी से शुरुआत करते हैं। अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो ओवरऑल ये पूरी प्लास्टिक की ही बनी हुई है। यहाँ ये सब बटन वगैरह सब प्लास्टिक के हैं, तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। मतलब अच्छी प्लास्टिक यूज की हुई है, हार्ड प्लास्टिक है, कहीं पर भी सॉफ्ट टच या सॉफ्ट प्लास्टिक नहीं है। और डिस्प्ले काफी बड़ा सा है, फोन जो है इसके काफी बड़े हैं, तो इजीली रीडेबल हैं ये बहुत दूर से भी। मतलब कि अगर थोड़ा सा 7-8 फुट दूर भी बैठे हैं तब भी आपको अच्छे से दिखाई देगा। और इसके साथ ये बैटरी आती है। ये बैटरी का टाइप जो है R14 है। ये देखिए पैनासोनिक की बैटरी है। चलिए इसमें बैटरी डालते हैं। ये देखिए इसमें एक रिबन दिया हुआ है जो काफी अच्छा काम करता है। ये असल में ये इसलिए होता है कि इसके ऊपर अगर आप बैटरी लगाएंगे तो जब आपको निकालनी हो बैटरी, तो ये पुल करके इजीली आप निकाल सकते हैं। इसको ऐसे देखिए पुल करेंगे तो सेल बाहर आ जाएगा, काफी अच्छा है। तो मैंने इसको पूरा रेडी कर लिया है। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ वो इसके 10 दिन के यूज के बाद की बातें हैं। मैं इसको 10 दिन से यूज कर रहा हूँ। मुझे जो सबसे अच्छी चीजें लगी हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही शानदार है, और इसका जो बेस है काफी चौड़ा है, तो इजिली हल्का फुल्का जर्क लगने से ये पलटती नहीं है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। दूसरा, इसका जो बटन है वो कहीं पर भी लूज या मुझे प्ले महसूस नहीं, मतलब कि आरएलएस के अंदर बहुत ही बढ़िया ऑपरेट होते हैं और इजीली ऑपरेट होते हैं। ये स्नूज का बटन है, ये अलार्म ऑन ऑफ का बटन है, बहुत ही इजीली ऑपरेट होते हैं। और अगर टाइम एक्यूरेसी की बात करें तो मैंने 10 दिन पहले जो टाइम मैच किया था, मुझे 10 दिन के बाद भी एग्जैक्ट वही टाइम मिला है, तो कहीं पर भी कोई टाइम डिले या आगे पीछे नहीं भाग रही है, तो बहुत ही एक्यूरेट टाइम दिखाती है। और तीसरी जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी है इसकी, इसकी जो अलार्म साउंड है वो बिल्कुल बढ़िया है, ना बहुत तेज है ना बहुत कम है। मेरे घर में 2 बच्चे हैं, एक 6 महीने की बेटी है, 4 साल का बेटा है, तो जब ये अलार्म बजता है तो दोनों की नींद खराब नहीं होती है। मतलब कि कोई बच्चा उठता नहीं है, हम उससे पहले हम उठ जाते हैं, तो इतना तेज भी नहीं है कि बच्चों को उठा दे, और इतना स्लो भी नहीं है कि हम भी ना उठ पाए, तो मुझे ये बहुत अच्छी चीज लगी है। और उसमें जो साउंड है वो बेल की है, मतलब कि जैसे घंटी बजती है, नॉर्मल बीप बीप या टिन टिन की साउंड नहीं है, तो बहुत ही अच्छी साउंड है। मैं आपको एक बार वो साउंड बजा के दिखा भी देता हूँ। देखिए, मैंने अलार्म ऑन कर दिया है। मैं अलार्म की सुई को आवाज की सुई के साथ मैच करा देता हूँ। ये देखिए, ये इसकी साउंड है, ये बेल साउंड है, और यही इसकी मैक्सिमम साउंड है, इतनी ही लाउड है। पीछे है इसका जो स्पीकर जो है, तो ये चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। अब इसमें ड्रॉबैक की बात करें, जो मुझे इतना बढ़िया नहीं लगा, बेटर हो सकता था, वो था इसके अंदर एक नाइट बल्ब देना। इसमें कोई बल्ब नहीं है,
तो रात में आप टाइम चेक नहीं कर सकते हैं, आपको टॉर्च जलानी पड़ेगी या लाइट या घर की जो भी आपको इसके ऊपर लाइट डालनी है तभी आप देख पाएंगे। वैसे इसके अंदर ये रेडियम में फोन दिए हुए हैं और आवर्स और मिनट की सुई भी रेडियम में है, पर ये लाइट बंद करने के आधे घंटे तक ही आपको दिखा पाएगी टाइम क्या हो रहा है, उसके अलावा नहीं दिखा पाएगी। ये इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है जो मुझे लगा है, और तो मुझे ऐसा कुछ इसमें नेगेटिव पॉइंट नहीं लग रहा है, मुझे यही सबसे बड़ा लगा है और ये मेजर है मेरे हिसाब से। क्योंकि रात में कई बार बंदा उठता है तो टाइम देखता ही है, तो फिर वही है कि दोबारा फोन के पास जाएंगे आप कितना टाइम हुआ है, तो इसमें नहीं है। बाकी ओवरऑल ये प्रोडक्ट मैं रेकमेंड करता हूँ, 1000 के नीचे बेस्ट अलार्म क्लॉक है जो अच्छी बिल्ड क्वालिटी देती है, टाइम एक्यूरेट देती है और 2 साल की वारंटी के साथ आती है, तो बहुत ही बेहतरीन है ये अलार्म क्लॉक। आप इसको जरूर ले ले सकते हैं, मेरी तरफ से फुली रेकमेंड है। बस यही है कि इसमें नाइट बल्ब नहीं है, अगर आप उससे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करें तो इससे बेस्ट क्लॉक कोई नहीं है। धन्यवाद।